दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन फोन्स के बारे में जो 5000, 6000, 7000 की रेंज में आते हैं। मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि 5000-6000 रुपए की रेंज में मुझे कैसे फ़ोन मिलने वाले हैं, लेकिन मैं सरप्राइज हो गया देख के कि मतलब 5000-6000 रुपए के अंदर, 7000 रुपए के अंदर इतने कमाल के फ़ोन मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं कि लगभग हर ब्रांड के अंदर हर मतलब कि ड्यूल कैमरा वाले फ़ोन इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप भी सरप्राइज हो जाओगे जो अगर आपका बजट 5000, 6000, 7000 की रेंज में, मतलब 5 से 8000 के बीच में अगर आपकी रेंज है और आप फोन खरीदना चाहते हैं तो दुनिया भर के ऑप्शन अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर और आप बेस्ट से बेस्ट फोन ले सकते हैं इस रेंज के अंदर। बिना वक्त गवाए वीडियो को मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहला जो फोन आ रहा है वो आ रहा है कूल पैड का कूल वन और ये 7999 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। बहुत ही कमाल इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ड्यूल कैमरा भी इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 652 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जिसके अंदर एड्रेनो का 510 मतलब 510 का आपको जीपीयू मिलने वाला है। 3GB की रैम मिलेगी आपको और 32GB की स्टोरेज मिलेगी। 4000mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। फुल HD स्क्रीन मिलेगी 5.5 इंच की, मतलब कि 403 PPI मतलब पिक्सल पर इंच इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। करीब 170-172 ग्राम के करीब इसका वेट होता है। IR ब्लास्टर भी इसके अंदर आपको मिलेगा, मतलब आप इसको एज ए रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है। इसके अंदर आप स्लो मोशन भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हैं और साथ ही आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दोनों सिम के अंदर आपको 4G सपोर्ट मिलने वाला है। ये फोन 7999 रुपए के अंदर है, आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। काफी अच्छी इसकी लुक है और काफी अच्छी इसकी स्पेसिफिकेशन है। दूसरे फोन की अगर बात करूं तो वो है 10OE और इसके अंदर आपको दो मॉडल मिलते हैं, 2GB का और 3GB का। 2GB का जो वेरिएंट है वो 5999 रुपए का है और 3GB का जो वेरिएंट है वो 6999 रुपए का है। तो 2GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी 5999 रुपए वाले मॉडल में और 16GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलने वाली है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा 430 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन इसके अंदर मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, गोरिल्ला ग्लास 3 है, 2.5D कर्व ग्लास मिलने वाला है और 4000mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिलेगी। 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। ड्यूल नैनो सिम टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, मतलब 4G सिम आप लगा सकते हैं दोनों, तो लेकिन अलग से आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका बोलते हैं कि काफ़ी तेज है, 0.2 सेकंड के अंदर ये मतलब अनलॉक कर लेता है। एंड्रॉयड का आपको नोगट मिलेगा 7.1.2, काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है, अमेजोन पे आपको मिलेगा, इसके लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों तीसरे अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो तीसरा फ़ोन है स्मार्टफोन का पी और ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा एक्सक्लूसिवली। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 435 का, 7999 रुपए वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। 3GB की रैम मिलेगी इसके अंदर आपको, 32GB की स्टोरेज मिलेगी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोनों ही कैमरा इसके अंदर आपको f2.2 का अपर्चर मिलने वाला है। 5000mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है, मतलब काफ़ी दमदार बैटरी इसकी होगी, चलता फिरता पावर बैंक है। 5000mAh की अगर इसके अंदर बैटरी मिल रही है तो रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, OTG सपोर्ट इसमें मिलेगा, मतलब रिवर्स आप चार्जिंग कर सकते हैं, OTG सपोर्ट तो मिल ही रहा है आपको। साथ में आपको मिलेगा एंड्रॉयड का 7.1.1 नोगेट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। 1000GB का ये आपको क्लाउड स्टोरेज देते हैं, मतलब कि आपको इतनी अब स्पेस की दिक्कत नहीं होगी, आपका जो डाटा है वो आप उसको क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गए, क्लाउड के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर भी आप स्टोर कर पाएंगे। तो 1000GB ये डाटा आपको मिलेगा क्लाउड के अंदर, बाकी 32GB की स्टोरेज तो आपको मिलने ही वाली है। तो ये फ़ोन है 7999 रुपये के अंदर, इसके लिए भी आप जा सकते हैं 8000 रुपये से 1 रुपया कम। अगले अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो वो है Redmi का Y1 आपको 7999 रुपए के अंदर ही मिलेगा। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है 425 का और ये आपको मतलब एड्रेनो इसके अंदर 308 का GPU मिलेगा। 5.5 इंच की HD स्क्रीन मिलने वाली, 720p की आपको स्क्रीन मिलने वाली है। 2GB की रैम मिलेगी और 16GB की स्टोरेज आपको मिलेगी, इसको आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा जो f2.2 के अपर्चर पे काम करता है और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा जो 2.0 के अपर्चर पे काम करता है। 3080mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। नॉर्मली Redmi के फोन के अंदर 4000mAh की बैटरी मिलती है लेकिन Y1 के अंदर 3080 है। एंड्रॉयड का 7.1.2 आपको नोगट मिलने वाला है, 150 ग्राम के करीब इसका वेट रहने वाला है। Redmi Y1 की अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा फ़ोन है Redmi की तरफ से, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। अगले अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो वो है Asus का Zenfone Max, 7499 रुपए के अंदर आपको ये फ़ोन मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 615 यानी कि स्नैपड्रैगन 615 का प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलेगा 1.5 GHz की फ्रीक्वेंसी के साथ। 2GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी और 32GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलने वाली है।
13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा F2.0 के अपर्चर के साथ और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है F2.0 अपर्चर, मतलब कि दोनों के अंदर F2.0 अपर्चर मिलेगा, यानी पिक्चर अच्छी मिलने वाली है। 5000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी, यानी कि आप एक या दो दिन के लिए बड़े निश्चिंत होकर इस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5.5 इंच की आपको HD स्क्रीन मिलने वाली, यानी कि 720p की आपको स्क्रीन मिलेगी। ड्यूल 4G सपोर्ट आपको मिलने वाला है। फोन की लुक काफी अच्छी है और आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। अगले फोन की अगर बात करूं तो वो है Redmi 5। Amazon के ऊपर ही आपको मिलता है, 7999 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बाकी फ्लैश सेल के अंदर लगता है तो बहुत कम चांस होते हैं मिलने के, तो जब भी फ्लैश सेल लगे तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 5.7 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है, जो 18:9 के एक्सपेक्ट रेशो पे काम करती है। 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा। Qualcomm स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 14 नैनोमीटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। 2GB की रैम इसके अंदर आपको मिलेगी, 16GB की मिलेगी स्टोरेज। 12 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा LED सपोर्ट के साथ। 3300 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी। 4G प्लस 4G, मतलब दोनों सिम के अंदर आपको 4G का सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी हाइब्रिड है तो आप अलग से इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, आप इसके कोन्स के बारे में भी देख सकते हैं। 159 ग्राम का इसके अंदर वेट होगा। Redmi के फोन काफी अच्छे होते हैं लेकिन फ्लैश सेल के अंदर मिलते नहीं, इसलिए मैंने तो थोड़ा सा नीचे रखा है दोस्तों। अगले अगर मैं फोन की बात करूं तो वो है Samsung का J3 Pro। Samsung का जो J3 Pro है वो 7499 रुपये के अंदर आपको मिलता है। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है दोस्तों, मतलब काफी अच्छा फील होगा जब आप ये फोन को यूज करेंगे। 2GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलने वाली है। बाकी एस बाइक मोड इसके अंदर मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा बाइक वगैरह ज्यादा चलाते हैं तो आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। 5 इंच की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है और ये डिस्प्ले काफी अच्छा होता है दोस्तों इसका। 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। 1.5 GHz का इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और 2600 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। 3 कलर्स के अंदर आपको मिलता है, गोल्ड, ब्लैक और व्हाइट। 138 ग्राम का इसके अंदर आपको वेट मिलेगा। दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर 7500 रुपये का आपका बजट है, सैमसंग का फ़ोन जो है वो एक सिर्फ एक ब्रांड अच्छा है और इस पर आप जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस अगर आप है। अदरवाइज मैंने जो और फ़ोन बताए हैं उनकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से सैमसंग की कॉन्फ़िगरेशन को मैच करेंगे तो डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी पीछे चला जाता है। लेकिन अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि जब सामने जब चीज़ों को रखते हैं तो उसके बाद काफ़ी फर्क आता है। जब आप J3 Pro को सामने रखेंगे और साथ में आप Redmi के 5 को अगर आप सामने रखेंगे तो परफॉर्मेंस के मामले में बिलीव कीजिएगा Samsung का फ़ोन कहीं पीछे नहीं रहेगा। एक अच्छी इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे जो इसका सबसे बड़ा कॉन लगा वो ये है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा। अदरवाइज अगर आप Samsung के ब्रांड के लिए जाना चाहते हैं तो 7500 रुपये में आप इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों ये थे वो फ़ोन जो 5 से, मतलब कि लगभग 8000 रुपये आप मान लीजिए, 5, 6, 7, 8 वाले जो मतलब रेंज के होते हैं वो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया, कोई आपके मन में आपको फ़ोन कोई घूम रहा है, जैसे पैनासोनिक का एलुगा जो फ़ोन है या फिर काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन थे जो मेरे भी दिमाग में चल रहे थे कि मैं इसके अंदर डालूं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए डाला कि मैंने कहा चलो एक सैमसंग का फ़ोन मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ब्रांड, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे सैमसंग का फ़ोन लेना चाहिए। अदरवाइज मैंने जितने भी स्मार्टफोन का फ़ोन डाला या फिर मैंने टेनो ई डाला या फिर आप बात करें रेडमी के फ़ोन की बात करें या फिर कूल पैड के आप फ़ोन की बात करें, मैंने काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद इन फ़ोन को डाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपके सुझाव हैं वो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ही बताइएगा कमेंट के अंदर। और वीडियो आपने अगर एंड तक देखा तो लाइक कर दो यार। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।